सतना में खिचड़ी का इंतजाम है, अनिश्चितकालीन है। बात यही है, हक का लड़ाई है, पीछे नहीं हटेंगे। और जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के लोग जेएमएम की धरती पर कोयलांचल की बात को सुशोभित करने के लिए तैयार है। और बात है कि गरीब गुरबा का, गरीब गुरबा जिस तरीके से अपनी बात रखेगा, गरीब गुरबा के लिए हम लड़ेंगे, ये अजमुल अंसारी जी का कहना था। लेकिन अभी पुराने अभिभावक यहाँ पर है, रतिलाल टुडू जी, इनसे भी बात करते हैं। पहले तो ये 44 डिग्री टेम्परेचर में रतिलाल जी बाहर निकले हैं आज, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु आपका स्वागत है। आपका बीएम टीवी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आप ही 45 डिग्री में उठ के हमारे समय से बातों को आप में लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे, इसलिए मैं आपको ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। टंकी का काम फिर बंद हो गया रतिलाल भाई? फिर चालू होगा, पक्का ना? पक्का है ना। अच्छा, आज 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 इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी के बगल में हम लोग बैठे हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, हमारे प्रखंड अध्यक्ष अजमल भाई ने बता दिए और आप फिर उन्हीं बातों को दोहराना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि देखिए, इस आउटसोर्सिंग जीटीएस आउटसोर्सिंग कंपनी जो चल रही है, इसके अगल बगल जो भी लोग रह रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सर्वप्रथम उसको यहाँ पहले नियोजन दिया जाए और उसको एक साथ उठा करके आप पुनर्वास कीजिए, जगह दीजिए। और जहाँ बसाइएगा वहाँ स्कूल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए और पानी होना चाहिए। मतलब प्रदूषण की समस्या से झेल रहे हैं, इसी के लिए ना तो हम लोग आंदोलन करी पाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राज्य, लोग बोल रहा था कि अलग राज्य लीजिएगा, लाठी से पीटता था, लेकिन हम लोगों ने अलग राज्य, हमारे माननीय गुरुजी दिशम गुरु शिवेश्वर के नेतृत्व में और विश्वास था, आज गुरुजी ने हम लोग को अलग राज्य करके दिला दिया। और आज जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी हैं, उनने यहाँ के लोगों के लिए मैंने बरसात कर दिए हैं रोजगार के लिए। अब उसको लेने के लिए हम लोग यहाँ के जो क्षेत्र के हम लोग नेतागिरी करते हैं, तो हम लोग तो स्वाभाविक आंदोलन करेंगे। अच्छा, कल जो आपके प्रखंड अध्यक्ष को लेकर आप शब्द बोले, वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? वो लोग गुंडे लोग हैं, गुंडा लोग हैं। हम तो चाहेंगे वैसा गुंडा लोगों को कम से कम प्रशासन में जेल की सलाह को डालें। प्रशासन आपकी है, मुझे लगता है कि अगर आपके तरफ से सख्ती अगर रांची से हो जाए तो 15 मिनट के अंदर ये एक्शन हो सके। आप मैं, हम आंदोलनकारी पार्टी हैं, हम आंदोलन पर विश्वास करते हैं और आंदोलन से ही हक मिलता है और अधिकार मिलेगा। आपने बोला भारतीय संविधान के तहत हम लोकतांत्रिक, क्या बोलते हैं इसको, हम विधि वक्त अपने यहाँ शांतिप्रिय ढंग से हम चक्का जाम में बैठे हुए हैं, कोई होलर नहीं। आप देख रहे हैं ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के यही शांतिप्रिय ढंग से हम लोग आंदोलन करते हैं। अच्छा, आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? चक्का जाम जब तक यहाँ का जो आउटसोर्सिंग प्रबंधक वार्ता नहीं करते हैं, तो हम चक्का जाम रखेंगे। अच्छा, प्रबंधन की तरफ से किसके आने पर आप इस बात को मानेंगे? आउटसोर्सिंग की कंपनी का आए बात करें, इससे पहले एक BCCL के अधिकारी किसी से बात हुई थी आप लोगों को? तो फेल, GM तो फेल हो गए हैं, जो हाथ उठा दिए हैं बोलता है आउटसोर्सिंग से आप लोग बात कीजिए। आउटसोर्सिंग के अलावा हम बात नहीं करें, सरकार में हम है, हम इससे बात नहीं करना चाहते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम लोग लाठी तो नहीं चला सकते हैं ना। लाल टुडू जी, क्या हम इसको राजनीति माने या समाज नीति? राजनीतिक मानिए इसको, राजनीतिक हो रहा है आप लोग के अगेंस्ट में, जो सरकार हमारे साथ, हमारे के सरकार हमारा, हम गाली दे रहा है, हम सुन रहे हैं। ये सहनशीलता का परिचय, हाँ, हम लोग एक, हाँ, संयम का परिचय हम लोग का है। अजमुल भाई जी के साथ आप कब तक खड़े रहेंगे? जब तक मांग नहीं मानेगा तब तक हम साथ में खड़े हैं, तो हम खड़े रहेंगे। पक्का। चलिए, धन्यवाद। जिन तीखे सवालों के साथ मैंने भी बाका, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी एक आध घंटा हो जाए, उसके बाद रणनीति जो भी यहाँ दिखेगा तब सवाल फिर बनेगा। श्रीमान, हम तो पूछेंगे सरकार आपकी है तो यहाँ पर हड़ताल आपका क्यों? हम तो पूछेंगे श्रीमान, पहले जब तक आपके पास लिस्टेड नहीं था अनुसूची के माध्यम से, जिन धाराओं को प्रावधानिक सिस्टम के माध्यम से आप यहाँ लाकर खड़ा किए हैं, तो आपके सरकार से भी सवाल बनेगा। रही बात यहाँ के माननीय विधायक जिनके अगेंस्ट ये आरोप लगा रहे हैं, या वो इनके अगेंस्ट आरोप लगा रहे हैं, ये आम जनता है, 2024 का घंटी खटखटाने के लिए तैयार है। गूगली तो फेंका जाएगा इनके तरफ से भी, अब बैटिंग करने के लिए कौन रोक पाएगा वो तो समय बताएगा। बस मेरी तो एक ही इच्छा है, आम जनता और हक मिले, प्रदूषण से राहत मिले। यह बात बिल्कुल सही है, डंके की चोट पर मैं JMM के इस कथन का समर्थन करता हूँ, चाहे BJP भी कहेगा तो उनका भी मैं समर्थन करूँगा कि प्रदूषण है, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। आपने आउटसोर्सिंग के नाम पर पैसा तो कमा लिया, लेकिन यह तय है कि आपने हमें बीमारी दे दिया। जय हिंद श्रीमान। बस एक ही आपसे निवेदन है कि जहां सच्चाई और सत्य की बात होती है तो कड़वे तरीके से आप खड़े मिलें, चाहे पार्टी कोई भी हो। जय।